नथिंग के पहले TWS ईयरफोन की ऑफिशियल प्राइस, वन प्लस नोट 2 स्मार्टफोन के थोड़े ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस, रेडमी इंडिया का पहला 5G स्मार्टफोन, उसके अलावा और भी काफी सारी टेक न्यूज आज मैं आपके लिए लाया हूँ। सो हे गाइस, मेरा नाम है ब्रिज और टेक न्यूज एपिसोड 538 में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज की बात करें तो पहली न्यूज है वन प्लस की तरफ से। तो आज वन प्लस ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि वन प्लस नोट 2 स्मार्टफोन में हमें 6.43 इंच की फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है, जहां पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन में हमें HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिलने वाला है, वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर हमें 90 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, वो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि डिस्प्ले के मामले में OnePlus Note 2 स्मार्टफोन OnePlus Note स्मार्टफोन जैसा ही होने वाला है। डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के मामले में ये दोनों स्मार्टफोन्स काफी सिमिलर होने वाले हैं। एक ही डिफरेंस इन दोनों स्मार्टफोन्स में हमें मिलने वाला है, वो ये है कि OnePlus Note स्मार्टफोन में हमें ड्यूअल पंच सेल्फी कैमरा मिलता था, लेकिन यहाँ पर हमें सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। अगर OnePlus Note 2 स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता तो और भी अच्छी बात हो जाती। So guys, Redmi India का पहला 5G स्मार्टफोन जिसका नाम Redmi Note 10T 5G स्मार्टफोन होने वाला है, वो स्मार्टफोन इंडिया में 20 जुलाई को लॉन्च होने वाला है, वो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन कोई नया स्मार्टफोन नहीं होने वाला, ये स्मार्टफोन Redmi Note 10 5G स्मार्टफोन का ही रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है, और ये स्मार्टफोन इंडिया में 14 या फिर 15,000 रुपीस की प्राइस रेंज में लॉन्च हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये स्मार्टफोन लॉन्च करने की ही जरूरत नहीं थी Redmi वालों को, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी Poco M3 Pro 5G स्मार्टफोन अवेलेबल है, जहां पर एग्जैक्टली सिमिलर फीचर्स हमें मिल जाते हैं, सिर्फ वहां पर डिजाइन अलग है, बाकी सब चीजें एग्जैक्टली सिमिलर है Poco M3 Pro 5G स्मार्टफोन है Redmi Note 10T 5G स्मार्टफोन में। और दोस्तों, ये बात मुझे स्मार्टफोन्स कंपनी की बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि एक ही स्मार्टफोन काफी सारे नाम के साथ इंडिया में लॉन्च करते है, वो भी सिमिलर प्राइस रेंज में ही लॉन्च करते हैं, और ये बात मुझे स्मार्टफोन्स कंपनी की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये चीज करना स्मार्टफोन कंपनी को बंद कर देना चाहिए। आपका क्या कहना है इसके बारे में, वो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो क्या ही बताया। तो दोस्तों, दो दिन पहले मैंने आपको Oppo Reno 6 Pro 5G स्मार्टफोन के इंडियन वेरिएंट का बॉक्स का फोटोग्राफ दिखाया था, जहां पर 12GB प्लस 256GB वेरिएंट की प्राइस 47,000 रुपीस मेंशन थी। लेकिन दो दिन पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी MRP भले ही इतनी ज्यादा है, लेकिन इंडिया में ये स्मार्टफोन इतनी ज्यादा प्राइस पर लॉन्च नहीं होगा। और दोस्तों, आज एक काफी बड़े टिप्सर ने ये कंफर्म किया है कि Oppo Reno 6 Pro 5G स्मार्टफोन के 12GB प्लस 256GB वेरिएंट की प्राइस इंडिया में होने वाली है 43,000 रुपीस, और इस स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट यानी कि 8GB प्लस 128GB की प्राइस होने वाली है 39,000 रुपीस। और दोस्तों, ये चीज मैंने आपको दो दिन पहले ही बताई थी। और दोस्तों, अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में 39,000 रुपीस की प्राइस पर लॉन्च होता है, तो ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन तो नहीं कहलाएगा, लेकिन ये एक डिसेंट स्मार्टफोन कहलाएगा, क्योंकि इस स्मार्टफोन में फीचर्स काफी अच्छे प्रोवाइड किए हैं ओप्पो ने। यहां पर डायमेंसिटी 1200 का प्रोसेसर, अच्छा कैमरा, और यहां पर हमें कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले भी मिल जाती है इसीलिए। और दोस्तों, अगर आप इसे ऑफलाइन में खरीदोगे तो मेरे ख्याल से आपको यह स्मार्टफोन 35,000 रुपीस में मिल सकता है, और इस प्राइस पर यह स्मार्टफोन एक अच्छा स्मार्टफोन है, बुरा स्मार्टफोन नहीं है, डिसेंट प्राइस इस स्मार्टफोन की कहलाएगी। अगर यह स्मार्टफोन इंडिया में 39,000 रुपीस की प्राइस पर लॉन्च होता है, तो क्या आप इसे खरीदना पसंद करोगे या नहीं, वो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये टेक न्यूज पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। So guys, Nothing ने आज ऑफिशियली कंफर्म किया है कि उनका नया Nothing Year One ईयरफोन इंडिया में 5,999 रुपीस की प्राइस पर लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों, Nothing ने यह भी कंफर्म किया है कि इस प्राइस पर यहां पर हमें एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का सपोर्ट मिलेगा, यहां पर हमें ट्रांसपेरेंट डिजाइन भी मिलेगी, और इस ईयरफोन के अंदर हमें 3 डिफरेंट टाइप के माइक्रोफोन्स भी मिलने वाले हैं। इस ईयरफोन में और क्या फीचर्स मिलेंगे उसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं मिली, लेकिन मुझे जैसे ही कोई डिटेल्स मिलेगी तो मैं आपको जरूर बता ही दूंगा। तो दोस्तों, Vivo ने आज ऑफिशियली कंफर्म किया है कि उनका नया 5G स्मार्टफोन Vivo Y72 5G स्मार्टफोन इंडिया में 15 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। इस स्मार्टफोन में ज्यादातर फीचर्स क्या मिलने वाले हैं उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो ऐसी जानकारी मिली है कि इस स्मार्टफोन में हमें MediaTek Dimensity 700 5G का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, और ऐसी जानकारी मिली है कि यह स्मार्टफोन इंडिया में 20,000 से कम की प्राइस पर Vivo लॉन्च करेगा।
और दोस्तों आज की आखिरी न्यूज है Realme के बारे में। तो रिपोर्ट से ऐसी जानकारी मिली है कि Realme अपनी एक नई स्मार्ट वॉच जिसका नाम Realme Watch 2 Pro होने वाला है, वो स्मार्ट वॉच इंडिया में काफी जल्दी Realme लॉन्च करने वाला है। रिपोर्ट की माने तो ये स्मार्ट वॉच इस महीने के एंड में या फिर अगले महीने के स्टार्टिंग में लॉन्च हो जाएगा। तो अगर आप लोग 5000 रुपए की प्राइस रेंज में कोई अच्छी खासी स्मार्ट वॉच खरीदना चाहते हो तो इस स्मार्ट वॉच का वेट आप लोग जरूर करना। तो दोस्तों आज की टेक न्यूज खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।